कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया सर। डिफिकल्टी लेवल कैसा आया था? इजी था सर पूरा। इजी मतलब था? हाँ। अच्छा, एक बार सेक्शन वाइज बता दीजिए कहाँ कहाँ से आए थे क्वेश्चन। सेक्शन इंग्लिश में वही एरर डिटेक्शन आए थे और मिसस्पेल्ड वर्ड आए थे और वही पैराग्राफ आए थे, चार पांच क्वेश्चन उससे थे और एक वो रीअरेंज वाला आया था, सात सेंटेंस थे। एग्जाम लास्ट ईयर से थोड़ा डिफिकल्ट था। सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल बता दीजिए। इंग्लिश बहुत इजी थी, मैथ्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था और रीजनिंग नॉर्मल थी। मिसलेनियस ज्यादा आए थे रीजनिंग में और इंग्लिश में जंबल पैराग्राफ वाले आए थे और पैराग्राफ था, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था और मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस आए थे और क्वाड्रेटिक था, अर्थमेटिक था, 2 DI थी। इंग्लिश में तो मेरे 30 अटेम्प्ट और इंग्लिश में आ रखे थे, फ्रेज वो वर्ड रॉन्गली स्पेल था, स्पेल कर रखे थे और आ रखा था PQRS की फॉर्म में 6 सेंटेंस दे रखे थे, उन्हें रीअरेंज करना था और एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे और आर सी आ रखा था। रीजनिंग में तीन क्वेश्चन सिलोग्स के थे और पजल आ रखी थी, तीन पजल थी। एग्जाम काफी इजी था, काफी अच्छा था। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे वो भी काफी इजी आए थे, लेंथी क्वेश्चंस नहीं थे और जो सेंटेंसेस थे वो भी काफी इजी थे। एरर डिटेक्टिंग के क्वेश्चन आए थे आई थिंक 6-7 के आसपास। अगर हम सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इसमें जो हमारा एरर डिटेक्टिंग के क्वेश्चन आए थे ना वो हमारे आए थे 6-7 के आसपास, काफी इजी थे। उसके बाद जो इनकरेक्ट सेंटेंस वाले को टॉपिक जो होते हैं ना वो भी इतने ही आए थे, मतलब जितना भी था सब कुछ ठीक ही था। और जो हमारा पैराग्राफ था पैसेज वाला आता है वो एक ही पैराग्राफ आता है, एक ही पैसेज आता है, वो भी काफी इजी था, ज्यादा टफ नहीं था, मतलब जल्दी हो गया था, विद इन 20 मिनट में हो गया था कम्प्लीट। उसके बाद मैथ्स का जो टॉपिक की अगर बात करते तो उसमें जो सिंप्लीफिकेशन थे काफी इजी सिंप्लीफिकेशन थे, बिना पेन के ही हम कर सकते थे तो काफी इजी था। DI भी ज्यादा टफ नहीं आई थी, अच्छी आई थी। रीजनिंग में क्या है जो मिसलेनियस का टॉपिक था उसमें इम्पलिटीज तो आई नहीं थी, स्लोलिज्म आई थी, 3-4 क्वेश्चन आई थी, स्लोलिज्म के काफी अच्छा था वो भी। और जो मिसलेनियस के जैसा हमारा प्रोसेस होता है ना कि पहले मिसलेनियस करना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग स्लोलिज्म आई थी और इम्पलिटीज तो आई नहीं थी। कट ऑफ 90 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर से थोड़ा लास्ट ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, लास्ट ईयर से एग्जाम मैथ्स का ज्यादा हार्ड था। कट ऑफ सर मतलब हाई जाएगा, एग्जाम आसान था तो मतलब अप्रोक्स 80 तो लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किए ही है, ठीक है। बट अपने साइड से सेटिस्फेक्शन है कि जो स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा पेपर आया, जो टीचर्स ने मेहनत हमारे साथ की थी या हमने टीचर्स के साथ लग के मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू।